हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नरेश में। प्रेस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम देखेंगे कंपटीशन टॉपिक परसेंटेज पार्ट थ्री, जिसमें कुछ क्वेश्चन मैंने क्षेत्रफल से संबंधित कल करा दिए थे। उसके बाद हम अगर मान लीजिए कोई व्रत है, वर्ग है, या कोई भी घन है, या जी कोई भी आपका ज्यामितीय निरूपण है, उसमें अगर मान लीजिए उसकी भुजा, उसकी त्रिज्या में परिवर्तन किया जाए तो उसके क्षेत्रफल में, उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन करा दिए थे और कुछ क्वेश्चन हम उससे रिलेटेड आज देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर आयत की लंबाई में 37.2% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। यानी आयत की लंबाई में कितने परसेंट, 37.2% तथा चौड़ाई में कितने परसेंट, 20%। तो इसमें वृद्धि है, इसमें क्या है, कमी। तो देखिए सबसे पहले लंबाई में कितना परिवर्तन है, 37.2%। तो यहाँ से इसको भिन्न में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 × 2 करेंगे 74 और 1 75 बटे 2। तो प्रतिशत में आएगा, प्रतिशत को हटाते हैं तो कितने का भाग देते हैं, 100 का। तो ये कितना हो जाएगा, 200। यहाँ कितना हो जाएगा, 25 × 75 25 × 2 200, 3/8। तो यहाँ से देखिए वृद्धि है तो ये क्या हो जाएगी, वृद्धि, और कमी है तो क्या हो जाएगी, कमी। यहाँ से ये यानी प्रारंभिक लंबाई, अगर लंबाई की बात की थी, ये वास्तविक लंबाई यानी प्रारंभिक लंबाई कितनी है, 8, 3 की क्या हो गई उसमें वृद्धि, तो अब कितनी हो गई, 11। यहां से तो ये निष्कर्ष निकलता है। इसके बाद देखिए चौड़ाई के बारे में क्या कह रहा है, चौड़ाई में यानी चौड़ाई में 20% की क्या है, कमी। तो देखिए 20% का भिन्न का मान 20 बटे कितना हो जाएगा, 100, 0 से 0 कट गई, यहां से कितना आ गया, 5, 1/5। ये है आपकी प्रारंभिक चौड़ाई। इसके बाद अगर ये कमी है तो कमी हो जाएगी, वृद्धि है तो क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो एक की क्या हो गई, कमी। तो अब कितनी हो गई, 4। और आयत के मैंने कह रहा था आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, या मैंने कुछ भी बताया था कि अगर दो बार गुणा कर दें आप तो क्षेत्रफल आए तो। तो देखिए यहां से प्रारंभिक, यहां पर बताइए लंबाई कितनी है प्रारंभिक, 8, और यहां से चौड़ाई कितनी है, 5, और बाद में कितनी हो गई बताइए, यहां से भाई 8 थी, 3 बढ़ गई, कितनी हो गई, 11। लंबाई तो 11 हो गई, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 5 थी जिसमें से 1 घट गई, कितनी हो जाएगी, 4। तो यहां से देखिए प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40, और बाद का कितना हो जाएगा, 44। कितने का परिवर्तन हुआ भाई, कितने का, देखो पहले 40 था, अब कितना हो गया, 44। तो कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, कितना बढ़ा, 4, किसमें से, 40 में से। तो जिसके से आता है वो कहाँ आता है, नीचे, तो 4/ कितना हो जाएगा, 40। प्रतिशत बढ़ाएंगे तो कितने से गुणा कर देंगे, 100 से। तो यहां से देखिए 10 और ये 0 से 0 कटेंगे, कितने परसेंट की वृद्धि आ जाएगी, 10% की। तो देखिए आपको सबसे पहले तो भिन्न में बदलना, भिन्न के बाद देखना यहाँ वृद्धि है तो वृद्धि हो जाएगा, कमी है तो कमी। प्रारंभिक लंबाई कितनी है यहां से, 8, प्रारंभिक चौड़ाई कितनी है, 5, पहले 8 थी, 3 की वृद्धि हो गई, अब कितनी हो गई, 11। यहां से देखिए 5 थी, 1 घट गई, कितनी हो जाएगी, 4। तो 8 × 5 = 40, और बाद का कितना हो जाएगा, 44। कितने की बढ़ोतरी हुई, 4 की, किसमें से, 40 में से। और जिसके से लगता है वो कहां आता है, नीचे, क्योंकि वो वास्तविक रूप लेता है, 4/40। प्रतिशत बढ़ाने के लिए कितने से गुणा करते हैं, 100 से। तो यहां से 10 बार 0 से 0 कट गए, कितने परसेंट की वृद्धि आ जाएगी क्षेत्रफल में, 10% की वृद्धि आ जाएगी। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अगर आयत की लंबाई में 12.1% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, यानी कितने परसेंट की वृद्धि होगी या कमी होगी। तो देखिए यहां से सबसे पहले लंबाई के बारे में देखेंगे तो 12.1% भिन्न में बदलेंगे, 12 × 2 = 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25, 25/ कितना हो जाएगा, ये 2। प्रतिशत हटाएंगे तो कितने का भाग दे देंगे, 100 का, 25 × 2 = 201/8। ये क्या है आपकी वास्तविक या प्रारंभिक लंबाई, और अगर ये क्या है, वृद्धि है तो क्या हो जाएगी, ये 1 की क्या हो जाएगी, वृद्धि। यानी प्रारंभिक 8 थी, 1 की क्या हो गई, वृद्धि। अब कितनी हो गई बाद में, बाद में लंबाई कितनी हो गई, 9, ठीक है। यहां से तो ये हो गया। चौड़ाई के बारे में बात करें तो चौड़ाई में क्या हो रही है, कमी, कितने की, 10% की, 10/ कितना हो जाएगा, 100, 1 × 0 = 0 कट जाएगी, 1/10। ये है आपकी प्रारंभिक चौड़ाई, और ये क्या हो जाएगी, कमी। प्रारंभिक चौड़ाई कितनी है, 10, कितने कमी हो गई, 1 की। अब बाद में चौड़ाई कितनी हो गई, 9, ठीक है। ये तो हुआ यहां से। अब प्रारंभिक क्षेत्रफल की बात करें तो प्रारंभिक लंबाई कितनी है, 8, प्रारंभिक चौड़ाई कितनी है, 10, बाद में लंबाई कितनी है, 9,
बाद में चौड़ाई कितनी है 9, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 80, यहाँ से कितना हो जाएगा 81, पहले 80 था बाद में 81 हो गया, कितने की बढ़ोतरी हुई 1 की, किस में से 80 में से, तो 1/80 गुणा 100, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटा तो यहाँ 4, यहाँ 5, 5/4 यानी 4 सही 1/4% के क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। ये आपका आयत संबंधित है। अब देखेंगे अपन अगर एक वृत्त का और देख लेते हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वृत्त का, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि वृत्त की त्रिज्या में 16/2/3% की कमी कर दी जाए, अब क्या है आपका वृत्त, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उस कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो देखिए वही करना है आपको, 16/2/3% भिन्न का मान कितना होगा 16 3 48 और 2 50, 50/ कितना हो जाएगा 300, 0 से 0 कट गई, 5 6 की 30, 1/6 यानी प्रारंभिक त्रिज्या कितनी थी, यानी जो प्रारंभ में त्रिज्या है वो कितनी है 6, 1 की क्या हो गई कमी, तो बाद में कितनी हो गई 5, तो देखिए आपको प्रारंभिक क्षेत्रफल देखना है तो आर स्क्वायर यानी दो बार ही लिखना है क्षेत्रफल में हमेशा, तो कितना हो जाएगा प्रारंभिक और ये क्या हो जाएगा बाद का या अंतिम, तो 6 गुणा 6 और बाद में 6 थी 1 घट गई कितनी हो गई त्रिज्या 5, तो 5 गुणा 5 तो प्रारंभिक कितना हो जाएगा 36, बाद का कितना हो जाएगा 25, तो 36 था प्रारंभिक अब 25 रह गया, कितने की कमी हो गई 11 की, किसमें से 36 में से, तो 11/36 गुणा 100, 9 यहाँ से 4 से काटा तो 9 चौका 36, 25 चौका 100, 25 गुणा 11 करते हैं 275/9, 9 3 27 यहाँ भाग टूटे 105/9% की क्या हो जाएगी कमी, ये वृत्त के क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी कमी, कितने की 30/5/9% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वो तो थे क्षेत्रफल से संबंधित, सेम अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वो भी ऐसे ही होगा, देखिए चीनी की कीमत में 16/2/3% की वृद्धि होने की वजह से एक परिवार की खपत 20% घट जाती है, तो खर्चे में कितने प्रतिशत बदलाव होगा, क्योंकि यार देखिए इसमें क्या निकालना है आपको खर्चा, तो आपको पता है कि भाई खर्चा क्या होता है कि मान लीजिए एक वस्तु है उसकी कीमत कुछ भी है मान 10 रुपये है और आप उसके मान लीजिए उसके कितने खर्च कर रहे हैं भाई 10 पैकेट ही खर्च कर रहे हैं मान लीजिए किसी के, तो कितना खर्चा हुआ आपका 100, समझने के लिए भाई एक यानी मान 10 पेन खरीदने हैं आपको, कितने पेन खरीदने हैं 10, एक की कीमत कितनी है 10 रुपये, तो खर्चा कितना होगा 100 रुपये का, ठीक है, इसी प्रकार देखिए उसकी कीमत के में कितने कीमत क्या थी उसकी प्रारंभिक निकाल लेंगे और यहाँ से खपत देख लेंगे प्रारंभिक खपत, तो आपका देखिए खर्चा क्या होता है कि भाई कितनी तो उसकी कीमत रही, कीमत गुणा क्या हो जाएगा खपत, भाई कितनी कीमत थी और कितनी अपन खपत कर रहे हैं, तो अपनी जेब से खर्चा वो हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए खर्चा बराबर कीमत गुणा यहाँ से खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत, तो देखिए कीमत में ये तो हुई कीमत की बात, कीमत क्या है 16/2/3% की क्या हो गई वृद्धि हो गई, तो वही भिन्न में बदलेंगे 16 3 48 और 2 50, 50/ कितना हो जाएगा 300, 0 से 0 कट गए 5 6 की 30, 1/6, तो ये क्या है आपकी प्रारंभिक कीमत, प्रारंभिक कीमत 6 थी जिसमें 1 की क्या हो गई वृद्धि, अब कितनी हो गई 7, इतना तो समझ में आता है। इसके बाद देखिए खपत, खपत में कितने परसेंट घट जाती है 20%, यानी 20/ कितना करेंगे 100, यहाँ से 1/5, प्रारंभिक खपत कितनी थी 5, 1 की क्या हो गई कमी हो गई, तो अब कितनी हो गई 4, ये तो आता है समझ में, और अब आपको क्या निकालना है खर्चे में परिवर्तन, तो प्रारंभिक खर्चा कितना है देखिए प्रारंभिक खर्चा, प्रारंभिक कीमत कितनी थी उसकी 6 और प्रारंभिक खपत कितनी थी 5, प्रारंभिक खर्चा कितना था आपका 30, बाद का खर्चा कितना हो जाएगा देखिए बाद में कितना हो जाएगा अब 7 खर्चे यहाँ से कीमत कितनी हो गई उसकी 7 और खर्च कितना हो गया 4, तो 7 गुणा 4 कितना हो जाएगा 28, पहले खर्चा 30 था अब कितना हो गया 28, कितने की कमी हो गई 2 की, किस में से 30 में से, तो 2/30% बढ़ाने के लिए कितने से गुणा 100 से गुणा, 0 से 0 कट जाएगी यहाँ से कितना हो गया 20/3, ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया 6 3 18, 2/18 और ये 2 और नीचे 3% की क्या हो जाएगी कमी, तो खर्चे में कितनी होगी 6/2/3% की कमी हो जाएगी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है किसी दर्शक स्थल पर टिकट बिक्री पर 12/1/2% जो टिकट की बिक्री है वो 12/1/2% बढ़ जाती है तथा टिकट का जो मूल्य है वो कितने परसेंट 20% घट जाता है, तो दर्शक स्थल पर आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए जो दर्शक स्थल पर आय होगी
कि वो आय क्या होगी, भाई कितनी तो बिक्री हुई और कितना एक टिकट का मूल्य था, तो दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा आपका, आय। तो देखिए पहला टिकट बिक्री की बात करें तो बिक्री क्या हुई, कितने परसेंट, 12 सही 1/2% क्या हुई है, बड़ी है, तो 12 सही 1/2% का मतलब कितना होता है 1/8। तो यहाँ से ये कितनी थी, प्रारंभिक बिक्री थी और उसमें क्या हो गई, एक की बढ़ गई, तो अब कितनी हो गई, 9। यहाँ से तो ये समझ में आता है। इसके बाद मूल्य, मूल्य क्या है, 20% बढ़ा, 20% घटा, तो देखिए 20/ कितना हो गया 100, यहाँ से 1/5, तो घटा तो ये घट गया, ये प्रारंभिक मूल्य था, इसके बाद एक घट गया, अब कितना हो गया 4, कितना हो गया 4। तो देखिए प्रारंभिक आय की बात करें तो प्रारंभ बिक्री कितनी थी 8, इसके बाद 8 और इसके बाद प्रारंभिक मूल्य कितना था 5, तो कितना हो गया आय 40, बाद में कितनी हो गई, प्रारंभिक बिक्री तो उससे 8 से बढ़कर कितनी हो गई 9, और यहाँ से मूल्य कितना हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया 9 चौका 36, यहाँ से 8 पंजो 40, और यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से 9 × 4 कितना हो गया 36, यहाँ से 40 थी कितनी हो गई 36, कितना हो गया, कितने का परिवर्तन हुआ 4 का, 4 की क्या हो गई कमी, किसमें से 40 में से, गुणा 100, यहाँ से 0 0 कट गई, 4 से 4 कट गया, कितने परसेंट कमी हो गई, 10% की कमी हो गई, ठीक है। इसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।